जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज हम बात करेंगे WWE के बारे में। दोस्तों, WWE एक ऐसा स्पोर्ट्स कह लीजिए या प्रोग्राम कह लीजिए जिसके मुझे लगता है इस समय दुनिया में कई करोड़ की संख्या में फॉलोअर्स होंगे। उसको पसंद करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, WWE को पसंद करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ, मुझे भी WWE काफ़ी पसंद है। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से WWE को पसंद करता हूँ, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को। और जब हम देखते हैं उसको तो काफ़ी हमें लगता है कि भाई इतने मुश्किल स्टंट और इतनी ज़्यादा चोटें लगती होंगी इनको, और हम हमेशा इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या WWE पूरी तरीके से असली है या पूरी तरीके से नकली है, या कुछ असली है या नकली है। इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाएंगी। आप कभी भी नेट पे देखिए WWE इज़ फेक डाल के या WWE इज़ रियल डाल के या कुछ भी WWE से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ डालिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि WWE क्या वास्तव में बिल्कुल ओरिजिनल होता है या वो बिल्कुल नकली होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, WWE में जाने वाला हर एक रेसलर पूरी ट्रेनिंग के बाद WWE में जाता है। जब उसकी फाइट होती है उससे पहले उसकी कुछ महीने की या साल भर के लगभग की उसकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है? वो ट्रेनिंग इस चीज़ की होती है कि जो वो रिंग के अंदर जो मूव्स करता है वो एक तो प्रॉपर तरीके से उसको कर पाए, और दूसरा ये कि जो वो जो उसका कॉम्पिटिटर है जिसको वो हिट करेगा उसको दर्शकों को ऐसा लगे कि हिट बहुत ही तेज़ी से किया है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छुपी रहती है, लेकिन दर्शकों को ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा उसको तेज़ी से उसने मारा है उसको, लेकिन वो रियल नहीं होता। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं लेकिन असलियत उसकी कुछ और होती है। अब इसकी मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ बता देता हूँ। देखिए, WWE बिल्कुल 100% स्क्रिप्टेड होता है, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब कि उसमें सब चीज़ें तय होती हैं। हालांकि जब चीज़ें तय होती हैं तो उसमें कुछ जो तय हुआ है उससे थोड़ा सा अलग भी हो जाता है, लेकिन स्क्रिप्टेड ये होता है बिल्कुल। जैसे समझ लीजिए आप एक नाटक है, और नाटक में जो जैसे सास बहू वाले नाटक होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं बिल्कुल। रियलिटी प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं होता कि अचानक से कुछ भी हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है लेकिन स्क्रिप्टेड ये बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं क्या WWE रियल है या फेक। पहली बात तो आप जो भी लोग WWE को पसंद करिए, मेरा उनका मन को हर्ट करने की बिल्कुल भी कोई मकसद बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए WWE को, मैं भी बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम मुझे लगता है, बहुत बढ़िया शो लगता है मुझे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं क्या WWE रियल है, तो पहले आप इस क्लिप को देखिए।
आपने देखा होगा किस तरीके के स्टंट और किस तरीके की चोटें रेसलर्स को लगती हैं। ये कोई झूठी चोटें नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल असली हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी ये स्टंट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल असली हैं, जो इनके जो हड्डियाँ टूटती हैं वो भी बिल्कुल असली हैं, जो इनकी बॉडी बनी हुई है वो भी इनकी बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद बनी हुई है। तो मेहनत इन्होंने बहुत ज़्यादा की है। तो इस क्लिप को देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि WWE नकली नहीं है, मतलब कि WWE रियल है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी मेरे पास एक क्लिप और है जिससे कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि WWE एक फेक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ये वाली क्लिप भी देखिए जरा। दोस्तों आपने दोनों क्लिप्स देखी, मेरी बात को समझा भी, और मैं आशा करता हूं कि आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि WWE एक जगह जहां पे रियल है तो दूसरी जगह फेक भी है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल रियल है, और बिल्कुल ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल फेक है। तो दोस्तों कुल मिला के सिर्फ बात यह है कि आपको, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको असलियत का पता लगे। जी हाँ, WWE स्क्रिप्टेड होती है, WWE में फेक मोमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन WWE रियल भी होती है। एग्रेशन हो जाता है कई बार, चोटें लगती हैं, गंभीर चोटें लगती हैं रेसलर्स को, और बहुत कई कई बार तो मौत तक हो जाती है रेसलर्स की। तो दोस्तों दोनों ही बातें मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जो जितने भी WWE के फैन हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि WWE आखिर में है क्या। दोस्तों ये पहली ऐसी वीडियो थी हिंदी में मैंने बनाने की कोशिश की है, मुझे YouTube पे हिंदी में WWE को क्लियरली कोई समझाने वाली वीडियो अभी तक नहीं मिली। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो WWE के बारे में बताऊं। दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जैसा आप जानते हैं मेरा चैनल अभी न्यू है, तो प्लीज़ मुझे बहुत शौक है YouTube पे वीडियोस बताने का, लोगों को जानकारी देने का, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, और अपने आसपास स्वच्छता रखें, हमारे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ें। हम जब स्वच्छ रखेंगे अपने देश को तो ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों इसी बात के बाद मैं अपनी बात आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।